हेलो एवरीवन, आज हम लोग जानेंगे कि थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। कोई भी व्यक्ति अगर क्राइम करता है तो उसने पनिशमेंट का भी प्रावधान किया गया है। तो किस तरीके से थ्योरी जो है 5 तरीके की बनाई गई है और इसमें कैसे इसे पनिशमेंट किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है इसमें बताया गया है। पहले के जमाने में लोग क्या करते थे कि कोई भी व्यक्ति अगर क्राइम करता था तो उसको क्या करते थे, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। मिस हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर चोरी किया तो उसके हाथ को काट दिया जाता था। कोई भी व्यक्ति अगर किसी का मर्डर किया तो लोग क्या करते थे कि उसको मर्डर कर देते थे, मीन्स कि उसे खुला छोड़ दिया जाता था। और लोग क्या करते थे, उसको इतना पीटते थे कि उसका उसकी मृत्यु होना संभावित थी। तो पहले के जमाने के क्राइम की अपेक्षा जो है अभी के क्राइम में जो पनिशमेंट दी जाती है वो बहुत ही सरल और इजी है। सबसे पहला हमारा है डिटरेंट थ्योरी। डिटरेंट थ्योरी का हिंदी मीनिंग होता है प्रतिरोधात्मक। मीन्स हो जाता है आपका, ये लैटिन लैंग्वेज डेटर से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है रोकना, ऑब्स्टेन करना। यहाँ पर बताया गया है कि जैसे कोई भी व्यक्ति जो है, यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो चोरी करता था तो लोग क्या करते थे, उसका हाथ काट देते थे कि ताकि वो क्या करे कि आगे जो है चोरी करने से वो रुक जाए। क्यों रुकेगा, क्योंकि उसके हाथ कट गए हैं तो ऑफकोर्स वो आगे चोरी कर ही नहीं सकेगा। तो लोग क्या करते थे, पहले के जमाने में लोग निर्दयी हुआ करते थे और निर्दयी तरीके से सजा का प्रावधान भी करते थे। एंड सेकंड में आपका थ्योरी आई रिट्रीब्यूटिव थ्योरी। रिट्रीब्यूटिव थ्योरी मीन्स हो जाता है प्रतिशोधात्मक। ये लैटिन लैंग्वेज टू पे बैक, जैसे डॉक्टर पी के शेन हो गए एंड हमारे जो जूरिस्ट थे आपके कांट हो गए, स्टीपन हो गए, ब्रडले लोग जो हैं, ये लोग क्या करते थे कि प्रतिशोधात्मक थ्योरी को बहुत ज़्यादा मानते थे। इसमें क्या था कि आँख के बदले आँख, कोई अगर व्यक्ति आप अगर आपका आँख फोड़ दिया तो वो व्यक्ति जाकर दूसरे व्यक्ति का आँख फोड़ देगा जिसने फोड़ा है। दांत के बदले दांत, दांत अगर आपका तोड़ा तो जाके आप उस व्यक्ति का दांत तोड़ दीजिए। अगर आपका पैर काटा तो आप जाके दूसरे जो व्यक्ति ने पैर काटा उसका पैर काट देंगे। इस तरीके से सजा का प्रावधान था। पहले के ज़माने में लोग जेल में नहीं बंद करते थे, लोग क्या करते थे कि उनको उनको फांसी की सजा का प्रावधान नहीं था। उस समय पनिशमेंट जो है बहुत ही भयानक थी। एंड थर्ड में आया आपका प्रिवेंटिव थ्योरी। प्रिवेंटिव थ्योरी मीन्स होती है निरोधात्मक। निरोधात्मक मीन्स हो जाता है निवारण करना, किस तरीके से निवारण किया जाए। जैसे कोई भी व्यक्ति मर्डर किया, सबसे पहले हम लोग चोरी का एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति चोरी किया तो चोरी करने के लिए हम लोग क्या सजा का प्रावधान है, IPC के सेक्शन 378 के अंतर्गत चोरी किया एंड 369 के अंतर्गत उसे 3 ईयर की पनिशमेंट हो गई। अब हम लोग ऐसा ऐसा पनिशमेंट दे देते हैं ताकि उसे 3 साल में रियलाइज हो कि हमें चोरी करना नहीं चाहिए। एंड अगर कोई भी व्यक्ति मर्डर करता है तो मर्डर क्या किया, मर्डर करने के बाद उसे हम लोग क्या करेंगे कि या तो डेथ पेनालिटी दे देंगे या तो फिर हम लोग लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे देंगे। मीन्स कि उसे डिसेबल कर दिया गया कि भाई तुम जो हो अगर जेल से आओगे ही नहीं तो फिर आप जो है किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का मर्डर भी नहीं कर सकते हैं। एंड डेथ पेनालिटी देंगे तो ऑफकोर्स आपको फांसी दे दी गई है, तो आप किसी व्यक्ति का आप दूसरे व्यक्ति का मर्डर कर नहीं सकते हो। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या है कि पनिशमेंट की जो थ्योरी जो है बदलती गई, पनिशमेंट का जो प्रावधान है बदलता गया। पहले लोग है बहुत ही गंदे तरीके से कोई भी व्यक्ति जो है सजा क्राइम करता था तो उसको पनिशमेंट देते थे। अब जो है अब बहुत सारे बदलाव आए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जो जो हमारा प्रिवेंटिव थ्योरी है इसके अंतर्गत जेरेमी बेंथम जो है बहुत अच्छे मानते थे। जेरेमी बेंथम जो है प्रिवेंटिव थ्योरी के बहुत उनको सपोर्ट करते थे। एंड फोर्थ हो जाता है रिफॉर्मेटिव थ्योरी। रिफॉर्मेटिव थ्योरी मीन्स हो जाता है सुधारात्मक, सुधार कैसे किया जाए। फॉर एग्जाम्पल आप देखते होंगे कि आजकल जो है कोई भी व्यक्ति जो है जेल में जाता है तो लोग क्या करते हैं कि उसे कुछ समय के लिए पेरोल दे देते हैं। पेरोल देते हैं ना कि भाई आप जो है किसी की शादी हुई या फिर कोई ओकेजन आया तो आप जो है कुछ समय अपने फैमिली के साथ बिताइए। इससे क्या होगा कि आपको जो है अपने फैमिली के साथ बॉन्डिंग बनेगी और साथ में क्या है कि आप जो है जिस तरीके क्राइम किए तो आप अपने आप में शर्मिंदगी फील करेंगे। तो पेरोल दिया जाता है एंड प्रोबेशन दिया जाता है, प्रवीक्षा दी जाती है, कुछ समय के लिए आप जो है अपने घर में जाइए या फिर कुछ समय के लिए आपको जो है कुछ काम दे दिया जाता है कि आप जो है इस तरीके के काम कीजिए। मीन्स प्रवीक्षा में आप जानते हो कि
कुछ मोमबत्ती बनाने का कार्य दे दिया जाता है, अगरबत्ती बनाने का कार्य दे दिया जाता है, और उसमें कुछ उन्हें पैसे भी दिए जाते हैं। इस तरीके से प्रावधान किए गए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति जो है क्राइम करता है तो अपने आप को गिल्टी फील करे, और गिल्टी फील करने के बाद में अपने आप को सुधार करने की कोशिश करे। इसीलिए आपका जो फोर्थ पॉइंट आता है, फोर्थ जो आया सुधारात्मक जो आपका सिद्धांत है, या फिर हम कह सकते हैं रिफॉर्मेटिव थ्योरी आई, इसके अंतर्गत पेरोल हो गया, परिवीक्षा हो गया आया। एंड फिफ्थ पॉइंट है कंपनसेटिव थ्योरी, क्षतिपूर्ति। फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी व्यक्ति जो है, आप जो है फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति ने क्या किया कि एक बाउंड्री वॉल बनाया, ओके बाउंड्री वॉल बनाया, तो बाउंड्री वॉल बनाया तो वो व्यक्ति जो है किसी कारण से इसका बाउंड्री वॉल जो है क्या होता है कि बाइक से जा रहा होता है और बाउंड्री वॉल में धक्का लग के ये बाउंड्री वॉल जो है टूट जाता है। तो पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, पहले जो है इस थ्योरी डिट्रेंट थ्योरी हुआ या रिट्रीब्यूटिव थ्योरी हुआ तो प्रतिशोध लेने की कोशिश करते थे, ओके तो उसको क्या करेंगे, मार देंगे या फिर उसके हाथ पैर तोड़ देंगे, इस तरीके का। लेकिन अब जैसे जैसे हमारा 20th century आई तो हम लोग क्या करते हैं, कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं कि जैसे बाउंड्री वॉल टूटा तो कितने रुपए की बाउंड्री वॉल होगी, ऑफकोर्स 50,000 या 1,00,000 इतने रुपए की आपकी बाउंड्री वॉल होगी। तो वो व्यक्ति जो है, जो व्यक्ति बाइक चला रहा था जिसकी वजह से जो ये बाउंड्री वॉल टूटा, तो इस बाउंड्री वॉल का जो ओनर है उसे 1,00,000 rupees या 50,000 rupees इसे बनाने के लिए मांग सकता है, क्षतिपूर्ति मांग सकता है, ओके क्षतिपूर्ति मांग सकता है क्योंकि इसने टॉट किया, अपकृत के अंतर्गत ये आएगा, ओके तो यहाँ पर क्या है, कंपनसेट करने के लिए बात कही गई है। जो व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति के जो प्रॉपर्टी है उसको हानि पहुंचाई है, क्षति पहुंचाई है, तो उसको क्षतिपूर्ति भी ऑफकोर्स दिया जाएगा, कंपनसेट करने की कोशिश की जाएगी। अब बिल्किस बानो का केस हो गया, उसके साथ भी बिल्किस बानो को स्टेट ने क्षतिपूर्ति दिया था, स्टेट ने क्या किया था, क्षतिपूर्ति दिया था बिल्किस बानो का। आपने केस आपने जान रहे होंगे, अगर आपको पता होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि बिल्किस बानो का केस क्या था, ओके आपका यही एक क्वेश्चन रहा मेरी तरफ से, आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो आपने देखा कि थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट में डिटेंट थ्योरी के अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा डीप तरीके से प्रतिरोध लिया जाता था, रेट्रीब्यूटिव थ्योरी के अंतर्गत आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, एंड आपका प्रिवेंटिव थ्योरी के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति को है डिसेबल कर दिया जाता था, डेथ पेनालिटी दे दी जाती थी या इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाता था ताकि व्यक्ति जो है आगे जो है क्राइम ना करने पाए, इस तरीके की पनिशमेंट दे दी जाती थी। एंड फोर्थ हो जाता है रिफॉर्मेटिव थ्योरी, रिफॉर्मेटिव थ्योरी के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो है क्राइम करता था तो उसको सुधार करने की कोशिश की जाती थी, पेरोल हो गया, परिवीक्षा हो गया, प्रोवेशन हो गया, इस तरीके का काम किया जाता था। एंड फिफ्थ पॉइंट आता है कंपनसेटिव थ्योरी, कंपनसेटिव थ्योरी के अंतर्गत कोई व्यक्ति का अगर क्षति हुई है, डैमेज हुई है, तो उसको कंपनसेट करने की कोशिश की जाती है, या तो स्टेट द्वारा या जिस व्यक्ति ने उसको हानि पहुंचाई है, क्षति पहुंचाई है, उसको उसके द्वारा कंपनसेट करने की कोशिश की जाती है। एंड अगर स्टेट अगर लाइबल होता है तो स्टेट जो है कंपनसेट करने की यहाँ पर कवादत करता है, ओके एंड आपको अपनी थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट समझ में आ गई होगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।